कैंपेन चल रहा राजस्थान में, धावा बोल दिया गया है बीजेपी ने, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिराई गई, या वो फेल हो गए। वो जो फेल हो गए हैं उसकी टीस जो है, उनका दुख और उनकी जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी है उन पड़ रहा उनके लिए, कि बार बार वो जो दुख दुख दे रहा उनको, उनकी टीस बार आ रही बार बार। आप समझ गए, टीस बार आ रही है कि मतलब गिरा क्यों नहीं पाए। इसलिए अब ये पांच पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मैं हमारे पार्टी में पता नहीं कौन कौन, ये धावा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं, 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर दो, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग, कि लाल रंग रखेंगे डायरी का, रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहाँ महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को, इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, लॉटरी के वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दिए। इसमें ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं, और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है, पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का।